गुड इवनिंग, शाम के 5 बजे हैं। आप देख रहे हैं इकोनॉमी एंड यू, आपके साथ में हूं अंशु पवार। बिजनेस जगत और अर्थव्यवस्था से जुड़ी टॉप न्यूज देखिए आपके अपने शो इकोनॉमी एंड यू में, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। अक्टूबर सीरीज की सुस्त शुरुआत, सेंसेक्स 167 पॉइंट्स गिरा, निफ्टी में भी 58 अंकों की गिरावट। संयुक्त राष्ट्र महासभा में थोड़ी देर बाद पीएम मोदी का भाषण, आतंक के मुद्दे पर पाकिस्तान को करेंगे बेनकाब, इमरान खान उठा सकते हैं कश्मीर का मुद्दा। राजस्थान के जोधपुर में भीषण सड़क हादसा, बस और बुलेरो की टक्कर में 15 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा घायल, कई की हालत गंभीर। और पानी पानी हुआ उत्तर प्रदेश, लखनऊ समेत कई जिलों में बारिश का कहर, अब तक 14 से ज्यादा लोगों की मौत, प्रशासन ने किया जारी अलर्ट। चलिए शो की शुरुआत करेंगे बाजार के हाल के साथ। अक्टूबर सीरीज का पहला दिन घरेलू शेयर बाजार में सुस्ती के साथ कामकाज हुआ, लेकिन उतार चढ़ाव भरे इस माहौल में निफ्टी ने 11,500 के अहम स्तर को थामे रखने में कामयाबी दिखाई। सेंसेक्स में करीब 167 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। बैंकिंग शेयर्स में भी उतार चढ़ाव का असर दिखा, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी बिकवाली का दबाव बना। बीएसई के मिड कैप इंडेक्स पर नजर डालें तो 0.62% की कमजोरी इसमें देखने को मिली है, जबकि बीएसई के स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.81% की गिरावट दर्ज की गई। तेल गैस शेयरों से भी आज बाजार को किसी तरह का कोई सहारा नहीं मिला, बीएसई के ऑयल एंड गैस इंडेक्स में 0.95% का दबाव देखने को मिला। आज के कारोबार में बीएसई के सभी सेक्टोरल इंडाइसेस में बिकवाली हावी रही। ऑटो और फार्मा शेयरों में करीब 1.5% की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि मेटल रियल्टी शेयरों में 2.5% से ज्यादा ये टूटे हैं। प्राइवेट और पीएसयू बैंकों में भी बिकवाली का दबाव बना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्राइवेट बैंक इंडेक्स में 0.73% की गिरावट देखने को मिली, जबकि पीएसयू बैंक इंडेक्स में 0.91% की कमजोरी दर्ज की गई है। बैंकिंग शेयरों में बिकवाली के चलते बैंक निफ्टी 0.42% की फिसल कर 29,876.65 के स्तर पर बंद हुआ है। एडवांस और डिक्लाइंस की अगर बात की जाए तो सेंसेक्स के 30 में से 22 शेयरों में बिकवाली देखने को मिली, निफ्टी के 50 में से 39 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई है, जबकि बैंक निफ्टी के 12 में से 7 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई है। बाजार की अगर हफ्ते भर की चाल पर नजर डालें तो इस हफ्ते मिड कैप इंडेक्स में 0.38% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि बैंक निफ्टी में इस हफ्ते 3.09% का दबाव देखने को मिला। इस हफ्ते निफ्टी की अगर बात की जाए तो 2.25% चढ़कर निफ्टी ने अपनी क्लोजिंग दी है, जबकि सेंसेक्स 2.13% की तेजी के साथ बंद हुआ है। लेकिन आज के सत्र की अगर बात की जाए तो बाजार का आज का सत्र खत्म होने पर सेंसेक्स 167.17% की गिरावट के साथ 38,822.57 के स्तर पर बंद हुआ है। निफ्टी की अगर बात की जाए तो 58.80 अंकों की कमजोरी इसमें भी देखने को मिली। एनएससी ने अपनी जो क्लोजिंग है वो 11,512.40 के स्तर पर दी है। तो सेंसेक्स 167 पॉइंट्स की गिरावट के साथ बंद हुआ है, और निफ्टी की अगर बात की जाए तो 58 अंकों की वीकनेस इसमें भी देखने को मिली। चले शो में आगे बढ़ेंगे, ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। सीएलएसए की रिपोर्ट उसके साथ शुरुआत करेंगे। सीएलएसए ने एनटीपीसी पर अपनी रिपोर्ट पेश की है। खरीदारी का व्यू है ब्रोकरेज हाउस का, टारगेट्स जो दिए गए हैं वो 165 के दिए गए हैं। तो खरीदारी की सलाह होगी आज के सेशन में। अगर एनटीपीसी के शेयर की बात की जाए तो 0.34% की बढ़त के साथ 117 के लेवल्स पर स्टॉक बंद हुआ है। यूबीएस ने भारतीय एयरटेल पर अपनी रिपोर्ट पेश की है। टेलीकॉम समूह की कंपनी है यूबीएस ने भारतीय एयरटेल पर खरीदारी का व्यू रखा है। टारगेट्स जो दिए गए हैं वो बढ़ाकर दिए हैं, 390 रुपए से लक्ष्य को बढ़ाकर 415 रुपए के नए टारगेट्स आपको दिए गए। तो ऐसे में स्टॉक पर आप नजर रख के चल सकते हैं, तेजी की उम्मीद कर रहा है यूबीएस और बुलिश शेयर को लेकर। ऐसे में 415 के लक्ष्य के लिए स्टॉक पर आप दाव लगाकर चल सकते हैं। आज के सेशन में भी तेजी देखने को मिली थी, 1.41% की तेजी के साथ 348 के लेवल्स पर स्टॉक बंद हुआ है। मॉर्गन स्टैनले के रडार पर मारुति सुजुकी रहा, ऑटो स्पेस की कंपनी है, ओवरवेट का व्यू होगा मॉर्गन स्टैनले का। टारगेट्स जो दिए गए हैं वो 7181 से बढ़ाकर
8205 के दिए गए हैं। तो 8205 के टारगेट्स के लिए इस शेयर पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अच्छे रिटर्न की उम्मीद ब्रोकरेज हाउस कर रहा है, तो स्टॉक पर बुलिश है, दाव लगाकर चलिए। हालांकि आज के सेशन में दबाव के साथ स्टॉक ने कामकाज किया है, 1.27% की वीकनेस, 6773 के लेवल्स पर क्लोजिंग। तो ये तमाम ऐसे स्टॉक्स थे जो ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर रहे। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं उन स्टॉक्स पर जो आज चर्चा में रहे, यानी कि स्टॉक्स इन न्यूज पर। एनएमडीसी के साथ शुरुआत करेंगे। सरकार एनएमडीसी के नागरनार प्लांट में हिस्सेदारी बेचने पर विचार कर रही है। नागरनार स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ के बस्तर में है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक विनिवेश मंत्रालय ने कैबिनेट ड्राफ्ट नोट जारी कर दिया है, जिसको लेकर जल्द मंजूरी भी मिल सकती है। विनिवेश के साथ साथ नागरनार स्टील प्लांट का एनएमडीसी से डीमर्जर का प्रस्ताव भी है। प्रधानमंत्री कार्यालय में एनएमडीसी के नागरनार प्लांट में हिस्सेदारी बेचने पर बैठक भी हुई है। बैठक में एनएमडीसी के नागरनार प्लांट में हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश भी दिए गए। कैबिनेट ड्राफ्ट नोट के मुताबिक प्लांट तैयार होने से पहले ही हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव है। इस स्टील प्लांट के तैयार होने में अभी करीब 10 महीने का वक्त और लगेगा। इसकी सालाना उत्पादन की अगर बात की जाए तो इसकी सालाना उत्पादन क्षमता 3 मिलियन टन होगी। 2016 में इस प्लांट के लिए कैबिनेट से सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी मिली थी। हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए दोबारा कैबिनेट से मंजूरी जरूरी है। तो सरकार नागरनार प्लांट में हिस्सेदारी बेचने पर विचार कर रही है। विनिवेश मंत्रालय ने इसको लेकर कैबिनेट ड्राफ्ट नोट भी जारी कर दिया है। आज के सेशन में अगर स्टॉक की बात की जाए तो 0.61% की तेजी स्टॉक में देखने को मिली। 9145 के लेवल्स पर स्टॉक ने अपनी क्लोजिंग दी है। प्राइवेट स्पेस का बैंक है यस बैंक, इसमें भी आज खबर रही। बैंक के प्रमोटर राणा कपूर ने 4.65 करोड़ शेयर बेचे हैं। यस कैपिटल के जरिए 1.8% हिस्सेदारी बेची गई है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर बल्क डील के जरिए 241.5 करोड़ में ये हिस्सा बेचा गया है। अब राणा कपूर की यस बैंक में हिस्सेदारी घटकर 4.9% रह गई है। तो प्रमोटर राणा कपूर ने अपनी हिस्सेदारी बेची है, 4.65 करोड़ रुपए राणा कपूर ने बेच दिए हैं। और अब राणा कपूर की जो बैंक में हिस्सेदारी है वो घटकर 4.9% ही रह गई है। न्यूज के बाद स्टॉक में गिरावट दर्ज की गई। 4.41% की वीकनेस लेकर 48.80 रुपए पर स्टॉक ने अपनी क्लोजिंग दी है। लक्ष्मी विलास बैंक की अगर बात की जाए तो बैंक के डायरेक्टर्स के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। रेलिगेयर वेस्ट की शिकायत पर EOW ने एक्शन लिया है। इन पर धोखाधड़ी आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया गया है। डायरेक्टर्स पर 791 करोड़ के डिपॉजिट में धोखाधड़ी करने का आरोप है। लक्ष्मी विलास के बैंक में आज 5% का लोअर सर्किट लगा है। बैंक डायरेक्टर्स के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। और उस स्टॉक इस खबर के बाद स्टॉक की अगर बात की जाए तो 4.94% की भारी गिरावट लेकर लक्ष्मी विलास बैंक के शेयर ने 36.55 रुपए पर अपनी क्लोजिंग दी है। दिशा रिसोर्स की अगर बात की जाए तो कंपनी कमर्शियल सर्विस कारोबार में सक्रिय है। चीन के सरकारी अस्पतालों में दवा सप्लाई की मंजूरी कंपनी को मिल गई है। दिशा रिसोर्स चीन में जेनरिक दवा सप्लाई की मंजूरी लेने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है। कंपनी को ओलांजापाइन की सप्लाई के लिए ये ऑर्डर मिला है। तो चीन के सरकारी अस्पतालों में कंपनी दवा सप्लाई करेगी और ये पहली भारतीय कंपनी है जिसे चीन से मंजूरी मिली है। स्टॉक की अगर बात की जाए तो मजबूती के साथ कामकाज किया है। एक पॉजिटिव न्यूज है स्टॉक को लेकर। और उसके बाद करीब करीब 5% की मजबूती स्टॉक में देखने को मिली। 8.67 रुपए पर स्टॉक ने अपनी क्लोजिंग दी है। लॉजिस्टिक कंपनियां भी आज फोकस में रही क्योंकि PMO ने 3 अक्टूबर को नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी पर एक अहम बैठक बुलाई है। इसमें एक दर्जन से ज्यादा विभागों के सचिव शामिल होंगे। पूरे देश में ट्रकों की बैरोकोटिक आवाजाही पर फैसला भी आ सकता है। तो 3 अक्टूबर को नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी पर एक अहम बैठक होगी। पीएमओ ने यह बैठक बुलाई है। आज के सेशन में अगर लॉजिस्टिक्स शेयर्स की बात की जाए तो इस खबर के बाद मिला जुला कारोबार लॉजिस्टिक्स शेयर्स में देखने को मिला। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स की अगर बात की जाए तो फिसला है शेयर। 3.09% की गिरावट के साथ 360 के लेवल्स पर बंद हुआ है। अलकार्गो लॉजिस्टिक्स की अगर बात की जाए तो इसने करीब करीब 2% की बढ़त दिखाई है। 110 के लेवल्स पर स्टॉक बंद हुआ है। जबकि स्नोमैन लॉजिस्टिक्स की अगर बात की जाए तो करीब करीब 1% की बढ़त स्टॉक में दर्ज की गई है। 38.85 के लेवल्स पर स्टॉक बंद हुआ है। जबकि VRL लॉजिस्टिक्स की बात की जाए तो VRL लॉजिस्टिक्स के शेयर में 1.41% की तेजी दर्ज की गई है। 276 के लेवल्स पर स्टॉक बंद हुआ है।
टाटा मोटर्स और टाटा डीवीआर भी आज फोकस में रहा, क्योंकि जैगुआर लैंड रोवर 4 नवंबर से यूके के सभी 3 प्लांट्स को एक हफ्ते के लिए इसमें उत्पादन बंद कर देगी, और इसकी वजह रही ब्रेग्जिट। ब्रेग्जिट की वजह से प्रोडक्शन ठप रहेगा। तो 4 नवंबर को एक हफ्ते के लिए कंपनी ने उत्पादन बंद करने का फैसला लिया है, और ब्रेग्जिट इसकी अहम वजह है। टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स डीवीआर दोनों शेयरों पर इसका इम्पैक्ट देखने को मिला। टाटा मोटर्स की अगर बात की जाए तो 3.69% की कमजोरी लेकर 119 के लेवल्स पर स्टॉक ने अपनी क्लोजिंग दी है, जबकि टाटा मोटर्स डीवीआर के शेयर 3.70% गिरे हैं, 54.65 रुपये पर स्टॉक ने अपनी क्लोजिंग दी है। इंडिया बुल रियल एस्टेट भी आज फोकस में रहा, क्योंकि कंपनी ने गुरुग्राम और मुंबई में अपने कमर्शियल प्रॉपर्टी को बेच दिया है। कंपनी ने इंडिया बुल्स 1 और इंडिया बुल्स फाइनेंस में पूरा हिस्सा बेच दिया है, बाकी बचा 50% हिस्सा भी ब्लैकस्टोन को 2,717 करोड़ रुपये में बेचा जाएगा। 1.5 साल पहले 50% हिस्सा ब्लैकस्टोन को 4,750 करोड़ रुपए में बेचा गया था। तो गुरुग्राम और मुंबई में जो कंपनी की कमर्शियल प्रॉपर्टीज थी वो कंपनी ने बेच दी हैं, साथ ही साथ इंडिया बुल्स 1 और इंडिया बुल्स फाइनेंस में भी पूरा हिस्सा बेचा जाएगा। आज के सेशन में नेगेटिव न्यूज और उसका पूरा इंपैक्ट स्टॉक पर देखने को मिला। 9.58% की भारी गिरावट, 50.95 रुपए पर क्लोजिंग। टाटा पावर की भी बात कर लेते हैं। टाटा पावर सोलर को केरल में 105 मेगावाट क्षमता के प्लांट का बड़ा ऑर्डर मिला है। तो केरल में एक बड़ा ऑर्डर कंपनी को मिला है, एक पॉजिटिव न्यूज कंपनी के लिए, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया है। करीब 2.5% की गिरावट लेकर 62.10 रुपए पर स्टॉक ने अपनी क्लोजिंग दी है। तो तमाम ऐसे स्टॉक्स थे जो खबरों के दम पर आज चर्चा में रहे। चलिए इसी के साथ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जब वापस आएंगे तो बाजार में कौन से स्टॉक्स गिरे हैं और चढ़े हैं वो जानेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे बाजार के दिग्गज जानकारों से भी। आप कहीं मत जाइए, क्योंकि इकोनॉमी एनजीओ में अभी बहुत कुछ खास बाकी है। चलिए शो में आगे बढ़ते हैं और बाजार के गेनर्स और लूजर्स पर नजर डाल लेते हैं। निफ्टी में कौन से स्टॉक्स चढ़े हैं पहले वो देखेंगे। भारती समूह की कंपनी है भारती एयरटेल, 2.89% की वीकनेस के साथ 354 रुपए पर स्टॉक ने अपनी क्लोजिंग दी है। स्टॉक्स न्यूज में के साथ साथ ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर भी भारती एयरटेल रहा, और ब्रोकरेज हाउसेस काफी बुलिश है शेयर को लेकर। खरीदारी की सलाह आपको दी गई है। आज के सेशन में पॉजिटिव नोट पर स्टॉक ने अपनी क्लोजिंग दी है, 2.89% की मजबूती, 354 रुपए पर क्लोजिंग। बजाज समूह की कंपनी है बजाज फाइनेंस, 1.61% की तेजी के साथ 4,065 पर स्टॉक ने अपनी क्लोजिंग दी है। एफएमसीजी स्पेस की कंपनी है आईटीसी, 1.36% की तेजी के साथ 253 रुपए पर इसने भी अपनी क्लोजिंग दी है। बजाज समूह की एक और कंपनी है जिसका नाम है बजाज फिनसर्व, 1.25% की तेजी इसमें भी देखने को मिली, 8,560 के लेवल्स पर स्टॉक बंद हुआ है। प्राइवेट स्पेस का बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक, 0.97% ये भी चढ़ा है, 1,642 के लेवल्स पर स्टॉक ने अपनी क्लोजिंग दी है। तो निफ्टी में चढ़ने वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर है। तो चलिए कौन से स्टॉक्स निफ्टी में गिर गए हैं वो भी जान लेते हैं। निफ्टी में गिरने वाले शेयर्स में पहला नाम है मेटल स्पेस की कंपनी वेदांता का, 5.69% की वीकनेस लेकर 156 रुपए पर स्टॉक ने अपनी क्लोजिंग दी है। मेटल स्पेस का काउंटर है ये, और कल इस स्टॉक में तेजी का रुझान देखने को मिला था, लेकिन आज अक्टूबर सीरीज की शुरुआत हुई है तो स्टॉक में वीकनेस देखने को मिली। यस बैंक कंपनी के प्रमोटर ने हिस्सा बेच दिया है, 5% की गिरावट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में दर्ज की गई है, 48.50 रुपए पर स्टॉक बंद हुआ है। प्राइवेट स्पेस का और बैंक है इंडसइंड बैंक, इसमें भी आज वीकनेस हावी रही। इनफैक्ट आज पीएसयू और प्राइवेट सेक्टर के बैंकों में बिकवाली हावी ही रही थी, और उसी के पार्टिसिपेंट यस बैंक इंडसइंड बैंक बने हैं। 4.92% की वीकनेस लेकर 358 के लेवल्स पर स्टॉक बंद हुआ है। टाटा स्टील 4.70% की वीकनेस, 358 के लेवल्स पर क्लोजिंग। जी एंटरटेनमेंट कल तेजी का रुझान स्टॉक में देखने को मिला था, लेकिन आज वीकनेस के साथ स्टॉक ने अपनी क्लोजिंग दी है, 4.64% टूटकर 273 के लेवल्स पर स्टॉक बंद हुआ है। तो निफ्टी में गिरने वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर हैं। चलिए सेंसेक्स में कौन से स्टॉक्स चढ़ गए हैं वो भी जान लेते हैं। एबीबी इंडिया में आज 5% की मजबूती देखने को मिली है, 1534 के लेवल्स पर स्टॉक बंद हुआ है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल 4.78% की बढ़त लेकर
12,148 के लेवल्स पर स्टॉक ने अपनी क्लोजिंग दी है। मन्नापुरम फाइनेंस की अगर बात की जाए तो 5.32% ये भी चढ़ा है, 143 के लेवल्स पर स्टॉक ने अपनी क्लोजिंग दी है। एवर रेडी इंडस्ट्रीज में आज करीब करीब 5% की तेजी दर्ज की गई है, 47.55 रुपये पर स्टॉक बंद हुआ है। जबकि वोडाफोन इंडिया टेलीकॉम स्पेस की कंपनी है, आज इसमें 8% का उछाल देखने को मिला, इनफैक्ट 8.24% चढ़ा है, 5.65 रुपये पर स्टॉक ने अपनी क्लोजिंग दी है। तो सेंसेक्स में चढ़ने वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर है। तो सेंसेक्स में जो स्टॉक्स गिर गए हैं वो भी जान लेते हैं। IDBI बैंक में आज 6% की गिरावट दर्ज की गई है, 33.55 रुपये पर स्टॉक बंद हुआ है। पीरामल एंटरप्राइजेस 7.25% ये भी टूटकर बंद हुआ है, 1726 के लेवल्स पर स्टॉक बंद हुआ है। ग्रेफाइट इंडिया 6.77% की वीकनेस, 316 पर क्लोजिंग। HEG 9.84% गिरा है, 1026 के लेवल्स पर स्टॉक ने अपनी क्लोजिंग दी है। ब्लू स्टार की अगर बात की जाए तो 7.5% की वीकनेस इसमें भी दर्ज की गई है, 788 के लेवल्स पर स्टॉक ने अपनी क्लोजिंग दी है। तो सेंसेक्स में ये तमाम शेयर्स आज लाल निशान में बंद हुए हैं। तो चलिए शो में आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं आशीष अंदानी से, रिसर्च इनमें टेक्निकल एनालिस्ट हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आशीष जी बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। सर कल जब बाजार की एक्सपायरी हुई थी तो एक शानदार एक्सपायरी बाजार को देखने को मिली थी, लेकिन आज अक्टूबर सीरीज का पहला दिन बाजार में सुस्ती के साथ कामकाज हुआ है, तो इस वॉलेटाइल सेशन के बाद अक्टूबर में बाजार को कहाँ तक जाते हुए देख रहे हैं आप? देखिए कल का मूव जो था वो मेनली एक्सपायरी ड्रिवन था। आप देखें अगर कल का बैंक निफ्टी का इंट्राडे चार्ट भी आप देखें तो हाईली वॉलेटाइल चार्ट था बैंक निफ्टी का, बिकॉज बहुत सारी पोजीशंस जो है वो वाइंड अप होने की। बट आज मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मार्केट अपने नॉर्मलाइजेशन की तरफ आ रहा है, क्योंकि हमें ये भूलना नहीं होगा कॉर्पोरेट टैक्स का जो बूस्टर आया है वो अपनी जगह है, मगर अभी भी जो इकोनॉमी में एक स्लो डाउन की या जो एक ग्रोथ की लो ग्रोथ के चांसेस है वो अभी भी है। तो मुझे लगता है कि मार्केट अब कहीं ना कहीं उन चीजों को फिर से डिस्काउंट करना स्टार्ट कर रहा है। आप देखिए जिस तरीके से बैंक्स में आज करेक्शन आया और बाकी भी जो स्टॉक है जो काफी गेन करे हुए थे उनमें भी करेक्शन है, तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि मार्केट फिर से अब रियलिटी को डिस्काउंट कर रहा है आगे आने वाले समय में। ठीक है सर, आर्थिक मंदी का दौर भारत में देखा जा रहा है, क्या ग्लोबल टेंशंस भी मार्केट्स को इम्पैक्ट कर रहे हैं? देखिए अभी इंडियन मार्केट एक ऐसे फेज से गुजर रहा है जहाँ पे ग्लोबल अनसर्टेनिटी और इंडियन मार्केट की अनसर्टेनिटी दोनों बहुत ज्यादा हावी है। आप देखिए जिस तरीके से यूएस प्रेसिडेंट के बयान चेंज होते रहते हैं वो ना कि इंडियन मार्केट बट वर्ल्ड ओवर मार्केट के लिए काफी अनसर्टन है। तो मुझे लगता है कि मार्केट में अभी एक बहुत कॉशियस अप्रोच रखना पड़ेगा। ठीक है अभी एक मीडियम टर्म आउटलुक एक थोड़ा सा पॉजिटिव ये होता है कि गवर्नमेंट इज डूइंग इट्स फुल टू रिटेन दी नॉर्मलिटी इन दी इकोनॉमी। गवर्नमेंट अपनी पूरी ताकत लगा रहा है कि किस तरीके से हम GDP को इंक्रीज करें, चाहे वो रेट्स जो रेपो रेट्स हैं उनको डिक्रीज करके या लिक्विडिटी इंक्रीज करके या जो कॉर्पोरेट टैक्स कट किया। बट इंडियन मार्केट कभी भी ग्लोबल मार्केट के उससे डिटैच नहीं हो सकते हैं, डीकपलिंग इफेक्ट हमारा कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि ग्लोबल मार्केट में जो अनसर्टेनिटी आ रही है तो आती रहती, कभी ग्रुप के फॉर्म में आ रही है, कभी US प्रेसिडेंट के किसी बयान के फॉर्म में आ रही है, वो बिल्कुल हावी है और आगे भी आने वाले समय में रहेगी इंडियन मार्केट के। चलिए ठीक है, अगर निफ्टी के लेवल्स की बात की जाए तो निफ्टी में को कहां तक जाते हुए देख रहे हैं सर, 1 से 2 दिनों में या फिर अगले हफ्ते की अगर बात की जाए तो इस अगले हफ्ते में कौन से लेवल्स निफ्टी दिखा सकता है और बैंक निफ्टी के लेवल्स भी आपसे जानना चाहेंगे? देखिए आज निफ्टी ने 11,500 के आसपास एक लो बनाया था और मुझे लगता है कि अगर हम टेक्निकली देखें तो स्पॉट पे 11,475 ये लो अगर टूटता है तो शायद हम यहाँ से थोड़ा सा और करेक्शन देखें, और ऊपर की तरफ का एक रेंज बहुत बड़ा है 11,595। तो 11,475 ये एक ऐसी ब्रेकआउट है, ब्रेकडाउन रेंज है निफ्टी में, अगर किसी भी तरफ ब्रेक होता है तो हमें एक नया ट्रेंड देखने के लिए हमें मिल सकता है। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने आज जो एक लो बनाया था करीब 29,700 के आसपास, तो जो एक मीडियम टर्म सपोर्ट आ रहा है 29,635, इस सपोर्ट को अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है अगले आने वाले वीक में तो मुझे लगता है कि कोई बुल्स के लिए कोई इतना खतरे का निशान नहीं है। मगर 29,625 की रेंज को अगर ब्रेक करता है बैंक निफ्टी तो मुझे लगता है 29,100 29,200 तक
यहाँ पे बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आ सकता है। चलिए ठीक है, तो बैंक निफ्टी के लिए 29,625 और 29,635 एक अहम रेंज होगी। अगर इसको मार्केट तोड़ता है तो और गिरावट बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। अगर निफ्टी की बात की जाए तो निफ्टी के लिए 11,075 का एक अहम लेवल है। अगर इस लेवल को निफ्टी तोड़ेगा तो निफ्टी के लिए करेक्शन मोड में निफ्टी आ जाएगा। सर, स्टॉक स्पेसिफिक अगर अगर बात की जाए तो कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपके रडार पर हैं? देखिए, डेफिनेटली आज का मार्केट आप देखें तो क्लियर कट सेग्रीगेशन हो रहा था, जो गुड क्वालिटी या जो एक कंटिन्यूस बुल ट्रेंड में स्टॉक्स हैं और जो एक मीडियम टर्म बियर ट्रेंड में स्टॉक्स हैं। उनमें एक पहला स्टॉक जो मेरी पिक है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ, आपके चैनल पे पहले भी मैंने रिकमेंड किया और काफी अच्छे टारगेट्स भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में आए हैं। तो आज आप देखें इस पूरे गिरते हुए मार्केट में कंसिस्टेंटली इस पर्टिकुलर स्टॉक ने आउट परफॉर्म किया है और मुझे लगता है कि जो ब्रेकआउट आज का आया है इस पर्टिकुलर स्टॉक को अगर आप बाय करते हैं तो 463 और 472 ये तो हमारे टारगेट हैं और 451 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो बाय आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ, 451 का स्टॉप, 463 और 472 के दो टारगेट। चलिए ठीक है, तो आईसीआईसीआई प्रू लाइफ पर आपको खरीदारी की सलाह दी गई है। आज के सेशन में 2% की बढ़त स्टॉक में देखने को मिली थी, आगे भी ये तेजी कायम रह सकती है, तो ऐसे में खरीद के चल सकते हैं स्टॉक को। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर हैं। इसके अलावा और कौन से स्टॉक्स हैं सर जिसपे दाव लगाने की सलाह दे रहे हैं? सर, जिस तरीके से फेस्टिव सीजन की बात है और आज भी काफी आउट परफॉर्म किया इस पर्टिकुलर स्टॉक ने, मुझे लगता है कि अगर कोई बाय करता है 434 का स्टॉप लॉस रहेगा, 444 और 456 ये दो टारगेट रहेंगे बर्जर पेंट अगर आप बाय करते हैं। ठीक है, तो बर्जर पेंट्स पर भी खरीदारी का व्यू होगा। आईसीआईसीआई प्रू लाइफ और बर्जर पेंट्स ये दो स्टॉक हैं जिनमें आपको खरीदारी की सलाह दी गई है। दो बाय कॉल्स हो गए हैं सर, सेल कॉल? सेल कॉल रहेगा आरबीएल बैंक का। देखिए, जिस तरीके से आरबीएल बैंक की आई बुल्स हाउसिंग में बहुत बड़े स्टेक होने की या बहुत बड़ा लोन होने की एक लोन होने की बात चल रही है, उस वजह से इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी करेक्शन आया। आप देखें आई बुल्स हाउसिंग फाइनेंस और पूरे ग्रुप के स्टॉक में एक करेक्शन आया और इस पर्टिकुलर स्टॉक ने इस करेक्शन में एक ट्रेंड ब्रेक डाउन किया है। तो मुझे लगता है यहाँ से ये पर्टिकुलर स्टॉक थोड़ा और करेक्ट होना चाहिए। आप सेल करें, 373 का स्टॉप रहेगा, 361-351 के दो टारगेट रहेंगे। ठीक है, तो सेल करके चलिए आरबीएल बैंक को। लास्ट स्टॉक सर, ग्लेनमार्क फार्मा में सेल रहेगा। देखिए, फार्मा स्टॉक्स में आज आपने काफी कंटिन्यूअस सेलिंग देखी, कई सारे ब्रॉड बेस्ड फार्मा स्टॉक्स में सेलिंग देखी, बट ग्लेनमार्क का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो मल्टी ईयर लो पे आ गया ये पर्टिकुलर स्टॉक और आज उसने उसको लो को ब्रेकडाउन दिया है। तो मुझे लग रहा है कि वीकनेस चार्ट पे बहुत ज्यादा, अगर आप पोजिशनल बेसिस पे जाते हैं तो उसमें सेल करें। 339 का स्टॉक रहेगा, 328-315 के दो टारगेट सेल करें मार्क। ठीक है, बहुत शुक्रिया आशीष ये तमाम कॉल्स हमारे दर्शकों को बताने के लिए। तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 4 कॉल्स दी गए हैं जिसमें 2 बाय साइड पर हैं और 2 सेल साइड पर। एक क्विक रिकैप आपको दोबारा से दे देते हैं, लेवल्स आपकी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। खरीदारी के लिए जो सबसे पहला स्टॉक आपको दिया गया है वो आईसीआईसीआई प्रू लाइफ का दिया गया है। खरीदारी करके चलिए, दाव लगाइए इस स्टॉक में। आज के सेशन में 2% की तेजी दर्ज की गई है और रिसर्च इनका ऐसा मानना है कि आगे भी ये तेजी कायम रह सकती है। ऐसे में 463 और 472 के दो टारगेट्स आपको दिए गए हैं, 451 स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिएगा। इसके अलावा बर्जर पेंट्स, क्योंकि फेस्टिव सीजन नजदीक है तो इस शेयर को इस फायदा मिल सकता है, कंपनी की जो बिक्री है उसमें बढ़ोतरी इस सीजन में जरूर आती है। तो ऐसे में खरीद कर चलिए बर्जर पेंट्स के स्टॉक को। 444 और 456 के दो टारगेट्स आपको दिए गए हैं, 434 का स्टॉप लॉस लगाइए। आज के सेशन में भी करीब करीब 2% की मजबूती स्टॉक में देखने को मिली है। टू बी वेरी प्रिसाइज, 1.85% स्टॉक चढ़ा है और ये तेजी आगे भी कायम रह सकती है, तो खरीद के चलिए। दो सेल कॉल जो आपको दिए गए हैं उसमें पहला काउंटर है आरबीएल बैंक का। कंपनी में आज के सेशन में भी भारी गिरावट के साथ कामकाज किया है, 4.5% टूटकर स्टॉक बंद हुआ है और इस स्टॉक में आपको बेचने की सलाह दी गई है। स्टॉप लॉस 373, टारगेट आपको 361 और 351 के लगाने हैं। आखिरी जो काउंटर है जिसको बेचने की सलाह आपको दी गई है वो फार्मास्यूटिकल स्पेस से है, ग्लेनमार्क फार्मा की हम बात कर रहे हैं। 339 का स्टॉप लॉस लगाइए, 328 और 315 के दो टारगेट्स आपको दिए गए हैं। आज के सेशन की अगर स्टॉक की बात की जाए तो आज 3.73% की गिरावट दर्ज की गई है और ये गिरावट आगे भी देखने को मिल सकती है, तो ऐसे में स्टॉक को बेचने की सलाह आपको दी गई है। तो शेयरों में आप लेवल्स ध्यान में रख के स्ट्रैटेजी बनाइए
और इन्वेस्ट करिए, पैसा आपका ज़रूर बनेगा, लेकिन एक कॉशियस व्यू मार्केट्स पर आपको ज़रूर रखना है, क्योंकि उतार चढ़ाव लगातार देखने को मिल रहा है मार्केट्स में। ग्लोबल टेंशंस बनी हुई हैं, हालांकि सरकार आर्थिक मंदी को देखते हुए अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लगातार कोशिशें कर रही है, लेकिन फिर भी मार्केट्स में वॉलिटिलिटी लगातार देखने को मिल रही है। ऐसे में बहुत ही कॉशियस होकर आपको मार्केट्स में पैसा लगाना होगा। चलिए, इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, लेकिन जब बाजार ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो मार्केट्स की तो हमने बात कर ली है, लेकिन कुछ खबरें भी हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है और आपको जाननी बेहद जरूरी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद वो आपको बताएंगे। क्या आप दुबले, पतले, कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाना पीना लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए सन्यासी आयुर्वेदा ने सन्यासी सेहत टेबलेट का निर्माण किया है, ताकि आप जो भी खाएं पिएं वो पूरे का पूरा आपके शरीर को लगे। इससे आपकी भूख बढ़ेगी, खाना पीना सही लगेगा, हाजमा दुरुस्त होगा, नया खून बनेगा, हड्डियों में जान आएगी, वजन बढ़ेगा, ताकत बढ़ेगी, जान बढ़ेगी और आप मोटे, तगड़े, खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बनेंगे। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर नजर आ जाएगा। ये दवा हम सीधे डाक या कोरियर द्वारा आपको भेजते हैं, ताकि डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर का कमीशन बचे और आपको दवा सस्ते में मिल सके। सिर्फ 650 रुपये में पूरे एक महीने की दवा होती है, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता। और आप घर बैठे 011-4545-4545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं इकोनॉमी एंड जीओ। शो में आगे बढ़ेंगे और बात कर लेते हैं पीएम मोदी की। पीएम मोदी अमेरिकी दौरे पर हैं और संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के पीएम इमरान खान का भाषण होगा। भारतीय समय के मुताबिक आज शाम 6:30 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। भाषण के लिए पीएम मोदी का तीसरा नंबर है। हर नेता को भाषण के लिए 15 मिनट का समय दिया जाएगा। कार्यक्रम के शुरू होने के लगभग 1.5 घंटे बाद पीएम मोदी का नंबर आएगा। इसके बाद 7 दिनों के विदेशी दौरे पर गए पीएम मोदी कल 28 सितंबर को स्वदेश लौटेंगे। इस बीच बीजेपी पीएम मोदी की स्वागत की भव्य तैयारियों में जुटी है। बीजेपी का मानना है कि अमेरिका में हाउडी मोदी कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दुनिया के सामने कश्मीर सहित दूसरे मुद्दे को जिस तरह से पीएम मोदी ने रखा है, उससे देश के कमान सम्मान बढ़ा है।
वहीं पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की दुर्दशा को न्यूयॉर्क की व्यस्त सड़कों पर टैक्सी और ट्रक पर दिखाया गया। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के आसपास खड़े टैक्सी वालों के ट्रक पर विज्ञापन लगाया गया, जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान मानव अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के चार्टर से इनकार करने वाला देश है और महाजिर पाकिस्तान में यूएन के हस्तक्षेप की मांग करता है। चूंकि पाकिस्तान महाजिरों को इस तरह के अन्याय के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध करने की अनुमति नहीं देता है, पूर्ण मेयर वासे जलील ने जानकारी दी कि हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, हमारा नैतिक मानवीय और लोकतांत्रिक अधिकार है। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भले ही पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेशन बैंक के ग्राहकों को नकदी निकासी में छूट दे दी हो, लेकिन बैंक पर अभी भी आरबीआई ने सख्ती बनाई हुई है। ताजा जानकारी में बैंक को लेकर कई और बड़े खुलासे सामने आए हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेशन बैंक को लेकर बीते दिनों आई खबरों ने बैंक के ग्राहकों को चिंता में डाल दिया, लेकिन जिसकी वजह से रिजर्व बैंक ने बैंक पर पाबंदी लगाई उसको बैंक ने एक महीने पहले फिर लोन दिया था। दरअसल पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉरपोरेशन बैंक को 2500 करोड़ रुपए न चुकाने वाले बिल्डर को बैंक ने एक महीने पहले फिर लोन जारी कर दिया। बैंक ने एचडीआईएल के वाइस चेयरमैन के नाम 96.5 करोड़ रुपए का पर्सनल लोन जारी कर दिया। मुंबई मिरर ने इस बात का खुलासा किया है। मुंबई मिरर ने पाया कि अगस्त के महीने में कर्ज में डूबी हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के वाइस चेयरमैन और एमडी सारंग वाधवान को बैंक ने 96.5 करोड़ रुपए का पर्सनल लोन दिया। यह राशि 2500 करोड़ रुपए के उस लोन से अलग थी जिसे चुकाना सारंग ने बंद कर दिया था। ये वही लोन है जिसे पीएमसी बैंक ने आरबीआई की गाइडलाइंस के बावजूद एनपीए में नहीं डाला था। दिवालिया हो चुकी कंपनी लोन चुकाने में लगातार फेल थी, लेकिन बैंक ने इस लोन अकाउंट को एनपीए में शामिल नहीं किया। बावजूद इसके कंपनी के वाइस चेयरमैन को फिर पर्सनल लोन दिया गया। गुरुवार को रिजर्व बैंक ने पीएमसी बैंक के खाता धारकों को बड़ी राहत देते हुए पाबंदी की अवधि के दौरान विड्रॉल की सीमा को 1000 से बढ़ाकर 10000 रुपए कर दिया। केंद्रीय बैंक ने 24 सितंबर को बैंक के ऑपरेशनल पर रोक लगाई थी, जिसके बाद से बैंक के ग्राहक परेशान हो उठे। मिली जानकारी में सामने आया कि एचडीआईएल के चलते कैसे 35 साल पुराना पीएमसी बैंक खस्ताहाल हो गया। आरबीआई की सख्ती के बाद में बैंक के एमडी जॉय थॉमस ने इस बात की पुष्टि की। जानकारी में ये भी सामने आया कि एचडीआईएल और सारंग वाधवान दोनों ने बैंक ऑफ इंडिया से लिया कर्ज चुकाने के लिए पीएमसी बैंक से कर्ज लिया था। इसी के बाद कंपनी के खिलाफ बैंक करप्सी प्रोसीडिंग्स शुरू हुई। बैंक ऑफ इंडिया मामले को लेकर एनसीएलटी पहुंचा था, हालांकि बाद में बैंक ने अपनी याचिका वापस ले ली क्योंकि दोनों के बीच अकाउंट सेटल करने को लेकर समझौता हो गया था। इसके बाद अगस्त में बैंक ने नई याचिका दायर की क्योंकि कंपनी वादे के मुताबिक अगस्त 2019 तक अकाउंट सेटल नहीं कर पाई। 31 अगस्त को बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि उसने एचडीआईएल के खिलाफ बैंक करप्सी के मामले को 2 हफ्ते के लिए टाल दिया है क्योंकि कंपनी ने उसे 96.5 करोड़ रुपए के 2 पे ऑर्डर दिए हैं। ये पे ऑर्डर पीएमसी बैंक की ओर से जारी किए गए थे। आरबीआई के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पीएमसी बैंक ने कुल 8300 करोड़ रुपए के कर्ज दिए हैं, जिसमें से 31% एचडीआईएल को जारी किया गया। आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक बैंक किसी भी शख्स या कंपनी को 15% से ज्यादा लोन जारी नहीं कर सकता। हालांकि बावजूद इसके पीएमसी बैंक ने आरबीआई के गाइडलाइंस का उल्लंघन किया। बिजनेस डेस्क, जनतंत्र टीवी। वहीं देश को मंदी से उभारने के लिए सरकार लगातार कोशिशें कर रही है और इसी कड़ी में बीते दिनों वित्त मंत्री ने कॉरपोरेट जगत को कॉरपोरेट टैक्स में कमी का तोहफा दिया। इस फैसले से कॉरपोरेट जगत में जश्न का माहौल है। सरकार की कोशिशें रंग भी लाने लगी हैं। हैंडसेट मैन्युफैक्चरर्स ने सरकार के इस फैसले का फायदा उठाकर अपनी विस्तार योजनाओं पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। कंपनियों के इन एक्सपेंशन प्लान से सेक्टर में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, देखिए इस रिपोर्ट में।
अगले एक साल में हैंडसेट मैन्युफैक्चरर्स करीब 50,000 कॉन्ट्रैक्ट और एंट्री लेवल एम्प्लॉय की भर्ती कर सकते हैं। इंडस्ट्री और एचआर एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंपनियां टैक्स रेट में हुई कटौती का फायदा उठाने की तैयारी में जुट गई हैं। बीते दिनों सरकार ने नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए 15% कॉर्पोरेट टैक्स रेट का ऐलान किया था। इसके बाद से कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स और हैंडसेट कंपनियां ने अपने विस्तार योजना पर काम तेज कर दिया। कंपनियों के एक्सपेंशन प्लान का मकसद घरेलू बाजार के साथ ग्लोबल मार्केट्स में भी अपनी साख मजबूत करना है। रिफर्बिश्ड फोन सेगमेंट में भी कंपनियां हायरिंग करने की तैयारी कर रही हैं। इंडस्ट्री के आंकड़े बताते हैं कि हैंडसेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या बीते 2 साल में 15% की गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में जनवरी मार्च तिमाही से शुरू हो रही इस हायरिंग प्रक्रिया से सेक्टर में तेजी आएगी। सरकार ने अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए बीते हफ्ते कॉर्पोरेट टैक्स को करीब 10% घटाकर 25.17% करने का ऐलान किया था। इस कटौती के बाद हैंडसेट कंपनियां अब एंट्री लेवल पोजीशन पर भर्ती करने जा रही हैं। लोगों को कंपनी पेरोल पर हायर किया जाएगा, साथ ही सेक्टर में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी अतिरिक्त भर्तियां की जाएंगी। रिक्रूटमेंट फर्म मैनपावर ग्रुप इंडिया का मानना है कि फोन कंपनियां अगले 1 साल में सेल्स, मार्केटिंग और सपोर्ट फंक्शन में करीब 15,000 से 20,000 लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पर रख सकती है। बात ई कॉमर्स सेक्टर की जाए तो बीते 2 साल में ई कॉमर्स इंडस्ट्री ने तेजी से ग्रोथ की है। चीनी कंपनियों का मार्केट में दबदबा होने से ऑफलाइन स्टोर्स को काफी नुकसान हुआ है। इससे देश के हैंडसेट सेक्टर में करीब 2 लाख रोजगार घटे हैं। हालांकि कई घरेलू कंपनियां अब कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर के रूप में उभर रही हैं। उभरने के लिए ये कंपनियां बंद बड़े प्लांट्स का इस्तेमाल कर रही हैं। इंडियन सेल्यूलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन को 2025 तक हैंडसेट और कंपोनेंट इंडस्ट्री में करीब 50 लाख नौकरियां बढ़ने की उम्मीद है। सरकार के टैक्स रेट में कटौती से कंपनियां काफी खुश हैं। सरकार के इस फैसले से न केवल घरेलू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए मौके भी बनेंगे। बिजनेस डेस्क, जनतंत्र टीवी। चलिए इसी के साथ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जब वापस आएंगे तो कुछ और खबरें आपको दिखाएंगे। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए इकोनॉमी एनजीओ।